हेलो गाइज, कैसे आप लोग? टिको लगवा के ले आऊंगा आज। टिको लगा कौन सा टिको लाग से आज? वो हॉस्पिटल में पता चलेगा कौन सा टिका लगेगा। बेबी होने पर टिको लगता है तो आप लगे वो लाख दिखाए वो सारे टिका होते ना वो भी लग जाएंगे। और खाने में क्या क्या बना के दिए सोनम को? कंदू गिर दिया, बादाम गिर दिया, घी गिर दियो, अजवान के लड्डू बना दिए। ये बहुत अच्छे रहते हैं न्यू बॉर्न बेबी की माँ के लिए, जिससे बेबी भी हेल्थी रहता है और माँ भी हेल्थी रहती है। जब माँ हेल्थी रहेगी तभी तो बेबी हेल्थी होगा ना। तो अभी सोनम जाएगी नहीं, सोनम उधर बैठी है, सोनम जाएगी नहीं, मम्मी और माँ जाएंगे। मम्मी लेगी बेबी को और हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दिखाते हैं डॉक्टर को और वैक्सीन लगवा कर आते हैं। रियांश उठ जा, वैक्सीन लगवाने चलते तेरे। सोता रहता रहा सारा दिन, सोता है और रोता है। पहले गोद में ले ले रियांश, रियांश दादी की गोद में। मम्मी दादी बुलासी, मम्मी बुलासी है तो बता पहले। माँ की गोद में आ गया। ओए माँ की गोद में सो रहा है क्या? ओए माँ की गोद में सो रहा है कि ये बुआ जी माँ की गोद में सो रहा है? अभी वहाँ पे जाते रोने लग जाएगा हॉस्पिटल में, दर्द होगा। जग गया 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 रियांश जग गया रियांश। हेलो रियांश, देख देख खोल रहा खोल रहा खोल रहा रियांश। सब्जी ले, क्या ले? सब्जी ले, सब्जी चल। अभी थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा, कहते टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 4 साल लगेंगे। सब्जी लिया हुआ सब्जी, 4 साल तो कम लगेंगे। तो 4 साल, अब 2 साल को, 4 साल, 2 साल में सब्जी लिया जाएगी। आगे पकड़ के जा लो। अच्छा आगे 2 साल को कलर को लग जाएंगे। टाइम लाग से तो 2 साल को, जल्दी से कट हो जा। मेरे चुकू हो जाए सब्जी लेके आनी है। वैक्सीन लगवा के आ रहा है आज, 15 दिन बाद में जाने लग जाएगा। नहीं 1-1.5 महीने पहले पता चलेगा। ओए रियांशु सो रहा है क्या? सो रहा है क्या? अभी वीकनेस तो फील नहीं हो रही ना? चलने वलने में कोई दिक्कत? सही है पहले से? सासू माँ खिला रही है अच्छे से? तब अजवाइन के लड्डू खा लिए क्या? अच्छा सुबह शाम क्या, या फिर एक टाइम? जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी ख़त्म करना है, फिर और बना के देंगे। अरे यार भाई उदास क्यों बैठा तू? अरे यार भाई मुझे पैसों की जरूरत थी, बहुत पैसे कहीं से अरेंज भी नहीं हो रहे। मैंने सुना तो आजकल बहुत पैसे कमा रहे हैं, तू हेल्प कर दे यार। अरे भाई मैं तो थोड़ा बहुत ट्रेड करके कमा लेता हूँ। कैसे? अच्छा सुन, आज तक मैं तुम लोगों को छुपा रहा था कि मैं क्या करता हूँ, अब मुझे लगता है कि तुम्हें बता ही देना चाहिए विनोमो के बारे में। विनोमो क्या है? विनोमो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिनमें हम इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। चल मैं तुझे समझाता हूँ कि तू विनोमो में कैसे ट्रेडिंग कर सकता है। विनोमो को आप जैसे ही ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, फिर आपको जाना है हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एलिगेटर फीचर के बारे में। एलिगेटर पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है। अब इसमें रेड और ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटते हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर रेड और ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटते हो तो ग्राफ नीचे आएगा। मुझे लगता है ग्राफ डाउन जाएगा तो मैंने डाउन पे क्लिक कर दिया। ये देखो गाइज हमने अर्न कर, अगर गाइज आपको डिपॉजिट करना है तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फोन पे पेटीएम वगैरह, और इसमें ऑफर भी चल रहा है। जैसे आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो राहुल सोनम आपका डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा डबल, जैसे 400 का 800। विनोमो पे विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बिना किसी रिस्क के तुम बैंक या फिर पेटीएम में ले सकते हो। गाइज वीडियो में दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इस विनोमो को रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेंगे $1,000 आपके डेमो अकाउंट में, वो भी ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए विनोमो को और रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है अभी हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल रियांश को, वहाँ से वैक्सीन लगवा के आते हैं, फिर आते हैं घर पर रियांश को लेकर। रोता हुआ आएगा मुझे पता ही, रोता हुआ आएगा ना बाबू? तो रोसीज ना क्या करी तू गाइज। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही, थोड़ी बहुत हो रही है। और मम्मी आ चुके हैं कार में और जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने डिलीवरी करवाई थी। क्या वो हम सो रहे हैं क्या अभी बेबी? हाँ सो रहे हैं। उठ गया तुम, संभाल लोगे ना? हाँ संभाल लेंगे।
तो तुम्हें भी तो संभाला था, हमें भी तो संभाला था, तो ये तो इसको संभालना आम बात है। और आज फिर से सोहेब भाई आए पिक करने के लिए। कैसे है सोहेब भाई? बढ़िया भाई। भतीजा हुआ कैसा फील हुआ आपको? बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो भाई। ठीक है, मैं चलते फिर हॉस्पिटल ना। ठीक है, सो रहे क्या अभी तक? ये वैक्सीन लगेगा तब रोएगा ये। तो गाइज अभी हॉस्पिटल में आ चुके हैं, अभी मम्मी से पूछते हैं किधर जाना है। किधर चलना मम्मी? आ जाओ। किस साइड? इस साइड। शिल्पा जी लगाएंगे। तो गाइज बेबी की वैक्सीन लगवा ली। रोए नहीं गए? बिल्कुल भी नहीं रोए, आराम से शांति से है, वैक्सीन लगवा ली है। शिल्पा जी रोक रहे चलो तो बिल्कुल भी नहीं डर नहीं कर रहे। देखो अभी तक सो ही रहा है, कुछ भी नहीं किया, सही है फिर ये तो। तो गाइज बेबी वैक्सीन लगा के आ चुका है। कौन रहे बिल्कुल ही फेस दिखाना इसका, सो रहा है बिल्कुल भी नहीं रोया। ओए रियांश, 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 अभी तो कोई पढ़ ले चाहिए ना दूध पिया के। रियांश है ना बेबी? क्या चुनिया ने कुछ कोई पढ़ ले? मम्मी ने निकनेम चुनिया निकाले। चुनिया बिल्कुल भी नहीं रोया, अफसोस हो रहा है। मैं सोच रहा था वहां पे खूब रोएगा, ये हॉस्पिटल को उठा लेगा। रो रो के रो रो गया। दादी है, दादी माँ, दादी की माँ है या माँ बाप को पढ़ के दी वो माँ मेरी माँ है। ओए रियांस, रियांस, ओए वैक्सीन क्या क्या जग रहा है अभी तो उड़ जा, सारा दिन सोता रहता है रियांस। अरे उड़ जा रियांस, रियांस। तो गाइज वैक्सीन लगा के आ चुके हैं, रियांस सो रहा है अभी, वो सो रहा है देखो। और अभी सोनम क्या है कि एक महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पे जाप हमारे साइड से बोलते जापा होता है, बेबी होता ना तब होता ना तब जापा होता है घर पे। तो सोनम घर से बाहर एक महीने तक नहीं निकल सकती, इसी रूम में रहेगी, पर सिर्फ कोई इम्पोर्टेंट काम हो तब बाहर जा सकती है। ओए हेलो, बोल हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, कैसे हो? बोल दे, बोलो बोलो रियांश। ओए हेलो, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है रियांश, रियांश बाबू स्माइल कर रहा है, खोल रहा है, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है। तो गाइज रियांश की वैक्सीन लग चुकी है, थर्ड वैक्सीन बीसीजी लग चुका है। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। रियांश एंड रियांश की मम्मी सोनम दोनों बहुत अच्छे हैं, और सोनम को सोनम का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा डाइट का, क्योंकि सोनम खाएगी तभी तो बच्चा हेल्थी होगा ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और गाइज आपको रियांश नाम कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बेबी का रियांश नाम कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते नहीं थे लोग में, बाय बाय।